व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम मेरा दुकान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। ये है रेडमी नोट 10 प्रो। लेकिन दोस्तों, अगस्त का मंथ शुरू हो गया और हमने दोस्तों आपको बेस्ट थीम के ऊपर वीडियो नहीं दिया था, तो आज दे रहे हैं। तो ये है रेडमी नोट 10 प्रो और आज हम बात करेंगे दोस्तों पांच अमेजिंग थीम की, जो आप रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। वैसे दोस्तों होगा कि नहीं होगा वो तो आप जाने, लेकिन हम तो डिफॉल्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला थीम ये है दोस्तों, इसमें हल्का सा एनिमेशन आपको दिखेगा, इसका नाम है स्टार रिवर गर्ल। ये जो है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप फर्स्ट टाइम रखेंगे दोस्तों तो इसका लॉक स्क्रीन मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। 40 MB का थीम है दोस्तों ये, और बहुत ही लाइट वेट है और आपको फुल्ली सपोर्टेड करता है दोस्तों आपके फ़ोन में। अगर आप ये रखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर हल्का सा आपको पीछे हल्का सा एनिमेशन देखने को मिलेगा, और दोस्तों आइकॉन वगैरह देख सकते हैं कुछ इस तरह का। बात करते हैं कंट्रोल सेंटर, इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो ये भी दोस्तों सेटिंग जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के बारे में बात करेंगे तो लॉक स्क्रीन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। हल्का सा टाइम लगा लेकिन दोस्तों देख सकते हैं लॉक स्क्रीन काफ़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर दोस्तों अगर चार्जिंग लगाएंगे तो और भी ज़बरदस्त ये दोस्तों दिखेगा। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन, जो काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट थीम की। नेक्स्ट थीम में क्या है? तो नेक्स्ट थीम दोस्तों ये है, और ये मुझे थीम वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त लगा। लेकिन ये जो थीम है पूरी तरह से दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 50 MB का थीम है दोस्तों। इसका नाम है ओरेंजी FTW। ये जो है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर हो चुका है ये इंस्टॉल, और इसका वॉलपेपर आप देख सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। मतलब दोस्तों एकदम प्रीमियम फ़ोन लग रहा है। अगर आप विदाउट कवर यूज़ करेंगे फ़ोन तो काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। बात करते हैं आइकॉन पैक की, तो दोस्तों आइकॉन पैक इस तरह का है, जो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहा है। इसका वॉलपेपर मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा, और इस तरह का दोस्तों कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों लॉक स्क्रीन, यहाँ पर जो है ये सेटिंग वगैरह तो इस तरह का है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं इसका लॉक स्क्रीन कैसा है, तो लॉक स्क्रीन में एक खास चीज़ आपको दिखाएंगे दोस्तों। लॉक स्क्रीन इस तरह का दिखेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे उठाते हैं और ऐसे करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो एनिमेशन इसको दिखता है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। तो अगर आप फेस अनलॉक रखे हैं और ऐसे करेंगे तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, जो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। तो अब भी इसको यूज़ करिए और देखिए कि ये दोस्तों किस तरह का वर्क करता है। तो ये भी थीम काफ़ी ज़बरदस्त आप रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट थीम की। नेक्स्ट थीम ये है दोस्तों रिफ्रेश UI। मतलब दोस्तों आप अलग अलग तरह का अपना यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इंटरफेस, और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ये दोस्तों बहुत ही लाइट वेट है, 10 MB का टोटल थीम दोस्तों, 9.6 MB का, और काफ़ी लाइट वेट है, फ़ोन हैंग वगैरह नहीं करेगा। और वॉलपेपर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त इसका लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं आइकॉन पैक की, तो आइकॉन कुछ इस तरह का देखने को लगेगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं नोटिफिकेशन, तो इस तरह का देखने को मिलेगा। सेटिंग के बारे में बात करें तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर एनिमेशन हल्का सा देखने को मिलेगा दोस्तों, अलग अलग तरह का टॉगल्स पर यहाँ पर सेट कर दिया गया है। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। लॉक स्क्रीन कैसा है? तो लॉक स्क्रीन में सारा खेल है दोस्तों। लॉक स्क्रीन को आप जैसा चाहे वैसा स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमर है, अलग अलग टाइम का हिसाब से दोस्तों आप यहां पर डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो डाल सकते हैं दोस्तों, स्विच कर सकते हैं। स्विच पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, डार्क मोड वगैरह हो गया, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, देखिए यहाँ पर रिफ्रेश रेट दिखा रहा है कि आपका कैसा है, तो उसको भी ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं। और यहाँ पर मोड में जाएंगे तो और भी चीज़ देखने को मिलेगा, जो दोस्तों लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सारा कस्टमाइजेशन है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी थीम दोस्तों मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा, आप देखिए लगाकर काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो वांडा भैया है, तो यहाँ पर दोस्तों Z.Blur Line UI VIP। लेकिन ये जो है दोस्तों 31 MB का थीम है, लेकिन ये पूरी तरह से दोस्तों अगर वर्क करता तो काफ़ी ज़बरदस्त होता। लेकिन फिर भी ये दोस्तों पूरी तरह से नहीं, आधा तो वर्क करेगा ही हमारे फ़ोन में, और काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों एनिमेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों देख लीजिए इस तरह का कुछ है, और ये वाला दोस्तों वो बोले ना कि आधा वर्क कर रहा है, तो इस तरह का आप वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेटिंग अगर जाएंगे तो सेटिंग कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन लॉक स्क्रीन के बारे में बात करें तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये डायरेक्टली दोस्तों लगता मेरा फेस ले लिया। तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह का है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में दोस्तों और भी चीज़ है, मतलब हल्की हल्की आपको एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये वांडा भैया जो है मैंने इसलिए लिया कि आपके फ़ोन में चेक करिए कि ये चलता है कि नहीं चलता। अगर चलेगा दोस्तों तो इनका इंटरफेस वगैरह आप देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, मेरे फ़ोन में तो ये वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, आपके में अगर करा तो ये काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और
लास्ट थीम की, तो लास्ट थीम ये है दोस्तों ग्रेडियंट एक्स प्रो दोस्तों, इसका नाम है 17 MB का थीम है और इसका दोस्तों लॉक स्क्रीन मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। तो दोस्तों थीम इंस्टॉल हो चुका है और देख सकते हैं वॉलपेपर दोस्तों एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब पिक्सल डिज़ाइन पे दोस्तों ये आपको थीम लगेगा। यहाँ पर आइकॉन पैक जो है इस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ पर बात करते हैं नोटिफिकेशन इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेटिंग की, तो यहाँ पर भी हल्की हल्की एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है और कलर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। बहुत सारी चीज़ दोस्तों दी गई है, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है। यहाँ पर जाएंगे म्यूज़िक का, तो यहाँ पर म्यूज़िक दोस्तों डायरेक्टली बजा सकते हैं और यह वाला जो एनिमेशन कर रहा है, यहाँ एनिमेशन कर रहा है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये है कैमरा का, जैसे ही जाएंगे दोस्तों तो डायरेक्टली कैमरा ओपन हो जाएगा जो दोस्तों आप कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ दी गई है जिसको दोस्तों आप ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ है, यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, सर्च भी दोस्तों आप कुछ करना है तो कर सकते हैं, स्टेप वगैरह देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी और भी कस्टमाइजेशन दी गई है, जैसे कैलकुलेटर हो गया तो कैलकुलेटर डायरेक्टली खुल जाएगा, नोट्स हो गया, यहाँ पर वॉइस वगैरह अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो वो भी दोस्तों यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ दी गई है, तो यही दोस्तों 5 थीम हुए जो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। आपको दोस्तों इन 5ों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वांडा वाला जो है, आप सही में मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, आप एक बार इसको डाउनलोड करके देखिए और यूज़ करके देखिए, आपको ज़बरदस्त लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल का सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।